12 के बीच में हो, जिसमें किसी की नमाज व्याधित या बाधित नहीं होगी, नमाज होती रहेगी, पर 8 से 12 का ऐसा समय होता है जहां पे वो तथाकथित मस्जिद खाली रहती है, तो उस समय इसका सर्वेक्षण किया जाए और वो जो रिपोर्ट है एएसआई की वो कोर्ट के सामने। कितना समय लग जाएगा आपके मुताबिक? देखिए अब ये एक बहुत ही टेक्निकल सर्वे होने वाला है जिसमें पार्टिकल्स लिए जाएंगे, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार लगेगा, बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाएगा, जियोलॉजिस्ट आएंगे, अलग अलग साइंटिस्ट आएंगे एएसआई की परिधि में, तो ये अब एएसआई को डिसाइड करना उतना कितना समय लगेगा। मैं आपको ये आकलन देना चाहता हूँ, राम मंदिर के टाइम पे जब 2002 में एएसआई का फैसला हुआ था तो एएसआई की रिपोर्ट 2005 में आई थी, 3 साल लगे थे, पर वहां पे क्षेत्र भी काफी बड़ा था, तो मुझे ऐसा अनुमान है, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि 3 से 6 महीने के अंदर ये सर्वे की एक्सरसाइज कम्प्लीट होगी। किस तरह का सर्वे कराया जाएगा? ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा साइंटिफिक सर्वेक्षण होगा जिसकी परमिशन ऑर्डर 26 रूल 10A ऑफ सीपीसी में है। आखिरी सवाल, कैविएट इसमें दाखिल करेंगे आप? बिल्कुल कैविएट दाखिल करेंगे, अगर मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाता है तो हम भी कोर्ट के सामने अपनी बात रखेंगे। विष्णु सर, इंग्लिश में बोल दीजिए सर, व्हाट इज द ऑर्डर? जी तो जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है वो ये है कि जो मेरी एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन नंबर 327, वो एप्लीकेशन अलाउ हो चुकी है और कोर्ट ने एएसआई सर्वेक्षण का ऑर्डर कर दिया। ये ऑपरेटिव पोर्शन है जो कोर्ट ने इस समय पढ़ रहे हैं। सर, इंग्लिश में एक बार बोल दीजिए, व्हाट इज द ऑर्डर दैट्स बीन पास्ड बाय, इनफैक्ट यू नो, द हिंदू साइड फॉर बाय द वाराणसी कोर्ट? सी, द ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी हैज अलाउड द एएसआई सर्वे इन द प्रीमाइसेस इन क्वेश्चन इन सेटलमेंट प्लॉट नंबर 9130। आवर एप्लीकेशन विच इज एप्लीकेशन नंबर 327 गा, दैट एप्लीकेशन हैज बीन अलाउड एंड द कोर्ट हैज डायरेक्टेड द एएसआई टू कंडक्ट द सर्वे। Sir, how much time would it take to conduct this particular survey and what would be the techniques that would be used? I cannot predict the time frame. I cannot predict the time frame. But this is a speculation that within 3 to 6 months this exercise can be completed. And what are the techniques that would be used in conducting? See, ground penetrating radar is a technique which will be used. There will be dating exercises which will be used. There will be excavation exercises which will be used. So these will depend upon the various scientists and geologists which will be part of in the body of the ASI, and they will submit a report before the honorable court. Sir, you know, the GPR would be. कि आपने जो कथित शिवलिंग था उसको आपने मांग की थी, जिसपे रोक लगी थी, उसके बाद आपने ये साइंटिफिक सर्वे की मांग पूरे परिसर की है जी। आखिर परिसर की पूरी मांग करने का क्या आपका उद्देश्य? देखिए परिसर की पूरी मांग करने का उद्देश्य ये है कि हमारा ये कहना है, हमारा ये केस है कि जगह को औरंगजेब ने नहीं बनवाया। ये पहले से एक प्री एग्जिस्टिंग हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था जिसको एक मॉस का रूप देने की कोशिश की गई है, उसको देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।